अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जी सारे पैरट्स की प्रोग्रेस, इनके बॉक्स देखेंगे आज सबके बारी बारी। तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अब सेटअप की वीडियो तब दिखाऊंगा जब ये इंशाल्लाह अंडे देंगे। तो माशाल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है इन्होंने अंडे दे दिए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी पैरट जो है नेस्टिंग ले जा चुके हैं और बॉक्सेस में बैठ रहे हैं। और ये जो कॉकटेल्स हैं इनकी भी आज आपको थोड़ी सी अपडेट दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा काम आगे बढ़ा है हमारे सेटअप में, क्योंकि आपको पता है कोई थोड़ी सी सुस्ती की वजह से काम जो है वो रुका हुआ था। बाकी इंशाल्लाह आपको आज थोड़ा सा सेटअप विज़िट करवाता हूँ और जिन जिन पैरट्स ने अंडे दिए हैं वो आपको भी दिखाऊँगा और ख़ुद भी देखूँगा। तो सबसे पहले ये आपको दिखाऊँगा 50 पेयर्स लव बर्ड्स की कलोनी, जो कि हमने कुछ ही दिन पहले रेडी की थी। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा इस कलोनी का। पहले हम केज बाय केज लव बर्ड्स ब्रीड करवाते रहे हैं, इस बार जी कलोनी में ब्रीड करवा रहे हैं। इस केज के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैरट्स हैं, आपको पता है 50 पेयर, तकरीबन 100 परिंदा इस केज में मौजूद है। और सबके बॉक्सेस वन बाय वन देखूंगा और आपको सारी डिटेल दिखाऊंगा कि कैसी ब्रीड आ रही है। माशाल्लाह से उम्मीद है कि एग्स वगैरह आने स्टार्ट हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से पैरट्स अंदर जा रहे हैं। तो सबसे पहला बॉक्स खोलते हैं जी। माशाल्लाह से जी पहले बॉक्स में देखें जी, अंडा पड़ा हुआ है। ये फर्स्ट बॉक्स है, नेस्टिंग बड़ी थोड़ी सी है इसमें और अंडा पड़ा हुआ है। हालांकि नेस्टिंग अभी नीचे पड़ी हुई है, कुछ पैरट्स आपको पता है नेस्टिंग कम पसंद करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो जी सेकंड बॉक्स आ चुका है माशाल्लाह जी, ये देखें इधर अंडा देने की जगह बना दी है और अंडा इधर भी आने वाला है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। थर्ड बॉक्स आगे आ गया। थर्ड बॉक्स में ये देखें जी पैरट बैठा हुआ है, इसको देखते हैं, लग तो नहीं रहा इसके नीचे अंडा नहीं है। ये उम्मीद है अंडा देने वाली है, फीमेल होगी इसीलिए बॉक्स में है। इसके बाद जी चौथा बॉक्स खोल रहे हैं। चौथे बॉक्स में ये पेयर बैठा हुआ है माशाल्लाह जी, डकिनो और अल्बाइनो रेड इसका पेयर है माशाल्लाह। ये पेयर अंडा देने वाला है कुछ ही दिनों में, पूरी उम्मीद है, क्योंकि बॉक्स में ये बैठा हुआ है तो अंडा देने के लिए ही बैठा हुआ है। इसके बाद जी नेक्स्ट बॉक्स को हम खोल रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी घनी नेस्टिंग की हुई है पर अंडा मेरे ख्याल से बल्कि इसमें देखें जी पैरट बैठा हुआ है, ये डकिनो का पैरट इसमें बैठा हुआ है। अंडा कोई नहीं दिया मेरे ख्याल से, अंडे भी इसने दिए हुए हैं माशाल्लाह से। चेक करें जी, दो अंडे हैं मुझे नज़र आ रहे, बाकी पता नहीं अब कितने हैं, क्योंकि इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी, किसी पैरट को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंडे अभी देना स्टार्ट हुए हैं, ऐसे ही डर के अंडा तोड़ भी सकते हैं। अंडे जब आपने देखने हैं तो बड़ी एहतियात से देखने हैं। तो ये देखें इसमें ये बैठा हुआ है जी, ये येलो पसनाटा इसने, अब ये देखें माशाल्लाह से जी येलो पसनाटा का पीस है इसके साथ, क्योंकि येलो के पीस इसमें तीन चार हैं, वो पसनाटा के साथ ही ब्लू के साथ कोई लगा हुआ है, इस तरह लगे हैं, पता नहीं अब ये कौन सा पेयर है। तो इस बॉक्स में देखें थोड़ी सी नेस्टिंग पड़ी हुई है, कुछ अभी हमारे जो पेयर हैं वो एज में तकरीबन 7-8 माह के थे, वो इंशाल्लाह कुछ देर में वो भी ब्रीड कर जाएंगे और ये जो बॉक्सेस खाली नज़र आ रहे हैं ये भी भर जाएंगे। तो दो बॉक्स मेरे ख्याल से अभी तक खाली नज़र आए हैं और ये तीसरा जी एक ही लाइन में ये तीनों बॉक्स, ये तीनों के तीनों खाली थे, बाकी सब बॉक्सेस में अंडे ही हैं या फिर नेस्टिंग है, अंडे आने वाले हैं। इधर भी ये देखें थोड़ी सी नेस्टिंग पड़ी हुई है। तो देखें जी सारे बॉक्स आपको मैं वन बाय वन दिखा रहा हूँ। कुछ पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे सेटअप पे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जी, और इस सीज़न भी आपके सामने माशाल्लाह से पेयर एग देना स्टार्ट हो चुके हैं। इधर ये ब्लू पसनाटा की फ़ीमेल बैठी है पर अंडा कोई नहीं दिया हुआ इसने। इसके बाद ये देखें इधर भी नेस्टिंग माशाल्लाह मौजूद है और माशाल्लाह से जी अंडा भी पड़ा हुआ है। अल्बाइनो ब्लैक आइज का पीस है, स्प्लिट रेड आइज है, क्योंकि मेरे इस केज में जितने भी अल्बाइनो ब्लैक आइज हैं सारे के सारे स्प्लिट रेड आइज हैं, और अल्बाइनो दो रेड आइज हैं वो भी मौजूद हैं, और क्रीमिनो डकिनो भी मौजूद हैं। इधर भी देखें ये बॉक्स में थोड़ी सी नेस्टिंग पड़ी हुई है। इसके बाद जी इस बॉक्स में देख लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अंडा पड़ा हुआ है, पता नहीं ये किस पैरट का है, पैरट नहीं मैंने देखा किस पैरट ने ये अंडा दिया हुआ है। बाकी जो पैरट बॉक्सेस के अंदर बैठे हुए हैं वो तो आप समझ गए होंगे किस किस के अंडे हैं, जो नहीं मतलब के बॉक्सेस में बैठे वो मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन से पैरट्स हैं, क्योंकि जब मैंने कलोनी में आना होता है तो ज़्यादातर पैरट जो हैं वो डर के निकल के ऊपर चिपक जाते हैं जी जाली पर। ये देखें जी इधर माशाल्लाह से ये हमारी यूविंग ओपलाइन की फ़ीमेल है,
इसके साथ जी पारब्लू पारब्लू स्प्लिट टॉप लाइन का मेल है, तो ये पारब्लू ओप लाइन भी निकालता है। मेरे पास इसकी ब्रीड पड़ी भी हुई है, ये देखे नेस्टिंग पड़ी हुई है। बाकी इसके आगे चलते हैं, इधर नेस्टिंग माशाल्लाह से इधर भी बड़ी गहरी सी नेस्टिंग पड़ी हुई है, पर इसमें अंडा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, अंडा इधर नहीं है। नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चले जी। नेक्स्ट बॉक्स में माशाल्लाह थोड़ी सी नेस्टिंग है, जिनमें थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग है, ये कुछ पैरट अभी नेस्टिंग करना स्टार्ट हुए हैं मेरे ख्याल से। ये देखें माशाल्लाह जी, अल्बाइनो रेड आइज और डकिनो का पेयर इधर बैठा हुआ है माशाल्लाह। ये भी थोड़ी सी नेस्टिंग है मेरे ख्याल से, ये अब नेस्टिंग करना स्टार्ट हुए हैं। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब वीडियो आप देखेंगे ना, तो बच्चे और अंडे, ये केज पूरी उम्मीद है जी माशाल्लाह भरा हुआ होगा अंडों और बच्चों से। कितनी गहरी नेस्टिंग इस बॉक्स में आ गई है जी। नहीं जी, इधर कोई अंडा नहीं है, हालांकि इधर मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई अंडा ज़रूर होगा। बहुत हैवी किस्म की नेस्टिंग मेरे ख्याल से इन्होंने ना सबसे ज़्यादा नेस्टिंग की है इस बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स आ गया जी, इसमें देखते हैं, इसमें माशाल्लाह तीन अंडे पड़े हुए हैं। पैरट इसमें भी नहीं देख सके कौन से हैं, बाकी इसमें मेरे ख्याल से कोई कलरफुल पैरट ही है क्रीमिनो डकिनो अल्बाइनो के अलावा, क्योंकि मैंने इसके बाहर बैठे देखे थे। इधर आ जाएं तो इधर माशाल्लाह तीन अंडे मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे जी, एक दो तीन, इस एवरी से अंडे मौजूद हैं। मतलब कि अभी लेइंग स्टार्ट हुई है, अभी किसी पैरट ने अपने पूरे एग्स नहीं दिए। बाकी इधर भी ये डकिनो और अल्बाइनो रेड आइज माशाल्लाह से पेड़ बैठा है, पर जी डिस्टर्ब तो किया पेड़ को, पर अंडा कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद अंडा होगा इनके नीचे। ये देखें डकिनो बैठा हुआ है। ये बॉक्स रह गए हैं जी आखिरी चार बॉक्स, इनको भी देख लेते हैं। इधर जी कोई भी नहीं, नेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जिनमें नेस्टिंग स्टार्ट है ना, नेक्स्ट वीडियो में इनमें अंडे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। ये पसनाटा का मेल बैठा हुआ है एक, तो ये पता नहीं ये अभी अंडे देने वाले हैं, क्या सीन है। नेस्टिंग तो इन्होंने की हुई है, ये मेल बहुत ही प्यारी क्वालिटी का, फीमेल वो ब्लू वाली इसके साथ की है, वो अलग बॉक्स में बैठी हुई है। तो इसके बाद ये खाली बॉक्स ही है तकरीबन, थोड़ी सी नेस्टिंग है अभी, इधर किसी का भी माइंड नहीं बना। इसके बाद ये लास्ट बॉक्स नीचे आ गया, इसमें जी ये देखें ऑफलाइन का पेयर है हमारे पास। इन्होंने एक तार भी अंदर रखी हुई है जी, ये नेस्टिंग के साथ ही, पता नहीं कहाँ से उठाई है इन्होंने, वो भी निकालते हैं। अंडा कोई नहीं दिया जी, सोप लाइन के पैर ने बाहर निकल गया है। ये जो तार है ना, इसको निकालता हूँ, ये इन्होंने पता नहीं नेस्टिंग के अंदर ही ये रखी हुई है, इसमें फांसी ना जाएं। ये देखें जी लोहे की तार, ये कहीं गिर गई होगी, इन्होंने उठाकर इससे नेस्टिंग कर ली। नेस्टिंग को थोड़ा सा सेट कर दिया मैंने, अब इसको जी उठा कर ले जाएंगे बाहर। आखिरी बॉक्स रह गया ये जो मेरे बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं, फिर चलेंगे केज से बाहर। माशाल्लाह जी इधर भी ये डकिनो का पीस बैठा हुआ है, थोड़ी सी नेस्टिंग भी की हुई है इंशाल्लाह। ये जितने भी बॉक्स नेस्टिंग थोड़ी थोड़ी वाले हैं ना, ये अंडों से भर जाएंगे, और जिनमें दो दो तीन तीन अंडे हैं इंशाल्लाह, ये पाँच सात आठ अंडे इधर मिलेंगे जब हम नेक्स्ट इधर आएंगे केज में। बाकी सब पैरट्स देखें जी ऊपर चिपक गए हैं जाली पर और गार्डर पर, आप बाहर चलते हैं और बाकी पैरट्स की आपको अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों इस केज की आपको सारी की सारी अपडेट दे दी, आपने सारे बॉक्सेस देखे और मैंने भी देखे, माशाल्लाह से मज़ा आया बॉक्सेस देख के। और नेक्स्ट टाइम हम जब देखेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे अंडे इधर ढेर लग जाएंगे। आप अंदाज़ा करें कि अगर इसमें 50 पेयर 100 पैरट मौजूद है, तो जब बच्चे निकलेंगे तो इस कलोनी की क्या रौनक होगी। ये देखें अभी ये जो बाहर पैरट हैं, और कुछ आपको पता है बॉक्सेस के अंदर ही हैं। अंदर वाले रूम में आ जाएं तो इधर भी कुछ चेंजेस जो आई हैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये ऑफलाइन के पैर को जो बॉक्स लगाया था हमने, माशाल्लाह वो भी देख लेते हैं। नेस्टिंग आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी पूरा इसने जी वो जगह बना ली है जहाँ इसने अंडा देना है। ये देखें अंडा ये देने वाले हैं, क्रॉसिंग स्टार्ट है इनकी। इसके बाद नीचे वाले केज में ये जो दो हैं पट्ठे हैं, इसके नीचे जो हैं इनको भी बॉक्स लगा दिया। ये जी वाइट वाली मादी जो है ना अल्बाइनो रेड आइज की, ये ज़ख्मी हो जाती है लड़ाई करके। बड़े वाले केज में ये थी, आपको दिखाता हूँ जिसमें ये मौजूद थी। तो ये जो है लड़ाई करती है, इसको लग ही बॉक्स लगा दिया है इसके मेल के साथ। पेस्टलिनो का इसके साथ मेल है, ये देखें मेल भी बहुत क्वालिटी का है, और ये ब्रीडर पेयर है पिछले सीज़न का ही।
तो इसको इधर अलग ही लगा दिया। ये होता था जी हमारे इस वाले केज में, और ये हर पैरट से लड़ाई कर रहे थे, इस वजह से मैंने जी इनको अलग कर दिया। पहले ये इधर थे और ये किसी और को भी ब्रीड नहीं थे करने दे रहे। इधर अल्बाइनो डकीनो क्रीमिनो ही मौजूद हैं इस केज में हमारे पास, और अल्बाइनो जितने भी हैं वो रेड आइज हैं। इस केज में हमारे पास आपको पता होगा जी पसनाटा, फिशर, फिशरियाँ, ब्लू मास्क, ये सब मौजूद हैं। ये भी माशाल्लाह से नेस्टिंग नोस्टिंग कर रहे हैं। ये सारे जी पिछले सीज़न के पट्ठे हैं जो कि फ़र्स्ट ब्रीड करेंगे हमारे पास। तो इधर देखें, ये फर्स्ट बॉक्स है, नेस्टिंग हुई हुई है इसके। हर बॉक्स में तकरीबन नेस्टिंग है, कोई एक दो बॉक्स ही होंगे जिनमें नहीं है नेस्टिंग। तो ये नेस्टिंग आपको ज़रा तेज़ी से दिखा देता हूँ। इन सब के बॉक्सेस आपको दिखा दिए हैं, माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें। देखिए आपने ऐसी क्वालिटी तो ज़रूर बताएं। ये जो मेरे पास येलो चेस्ट पसनाटा हैं, बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन के हैं। बाकी आपको दिखाते हैं जी फिंचीज और जावा। ये आपको बता दिया है कि जी इधर चूहा आ रहा था इस जो केज में, तो इन्होंने अभी जी नेस्टिंग वगैरह अभी करनी स्टार्ट की है। ये डर रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि क्यों ब्रीड नहीं कर रहे। बाद में पता चला कि चूहा तंग कर रहा है, वो मार दिया। और जी फिंचीज जो हैं, इनमें से एक पेड़ ने अंडा दिया था, वो पता नहीं किधर गायब हो गया, इन्होंने तोड़ दिया, क्या किया। फिर उसके बाद जी किसी में अभी एग नहीं आया। नेस्टिंग माशाल्लाह सबने की हुई है, तो ये मैंने देखे कोई जी अंडा वगैरह नज़र नहीं आया। कॉकटेल्स की अपडेट दोस्तों ये है कि कॉकटेल जो हैं इनको जी बूरा वगैरह आपको पता है इनको डालना था नेस्टिंग के तौर पर। ये वेट कर रहे थे कि बूरा आए और ब्रीडिंग स्टार्ट करें, तो माशाल्लाह से बूरा ला कर डाल दिया। इनके केज की करेंगे एक दो दिन में सफाई और साफ़ सुथरा केज कर देंगे। ये सन कनोर देखें जी, फुल मस्तियों में इधर घूम रहे हैं। कॉकटेल चेक करें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी ये देखें गंद नीचे फुल टाइम पड़ा हुआ है। बाकी इसको मैंने साफ़ करके मटकियों को, इसीलिए नीचे ज़्यादा जो है मट्टी सी है, मटकियाँ मैंने साफ़ की और अंदर जी फ्रेश बूरा ला कर कच्ची लकड़ी का बूरा डाला। इनके बॉक्सी जो हैं उनमें कुछ ही अरसे में आपको पता है जी अंडे आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे ब्रीडर पेयर हैं सब के सब। और लास्ट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जी रिंगनेक पैरट्स का जो केज है। उधर वैसे आपको बताया था बूरा डाल लें, उधर भी बूरा वगैरह सब बॉक्सीज में हमने डाल दिया है। बूरा डालने के बाद जी अभी सबसे पहले आपको अभी बता सकता हूँ मैं, ये सन कनोर का जो पेयर है ना, ये ऊपर वाला, इसने माशाल्लाह से ब्रीड कर देनी है अभी। वैसे अंडा तो कोई नहीं दिया मेरे ख्याल से, वैसे देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं। हो सकता है कि अंडा दे भी दिया हो, क्योंकि ये आजकल में अंडा देने वाले हैं। तो बॉक्स देखें, माशाल्लाह बूरा डाल दिया पर अंडा इन्होंने अभी कोई नहीं दिया। उम्मीद है कुछ ही दिन में इनका अंडा आ जाएगा, फिर आपको वो भी दिखाऊंगा। बाकी ये बहुत ही अच्छा पेयर है, पिछले सीज़न भी इसने तकरीबन 9 बच्चे हमें ब्रीड करके दिए। 3 जो अंदर आपको दिखाए हैं चिक्स, वो इसी पेयर के हैं। और ये नया पेयर बनाने की कोशिश की है, इसकी फ़ीमेल होम ब्रीड की है। बाकी ये देखें, इस पेयर की भी नर को मैंने बॉक्स में जाते देखा है, वाइट रिंग नेक वाला नर है। ये जो पेयर है ये भी जी इंशाल्लाह जल्दी ब्रीड करेगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो आपके साथ शेयर की है, आपने देखा कि काफ़ी पैरट्स हमारे कलोनी में एग्ज़ दे चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा एग्ज़ और बच्चे आपको दिखाऊंगा। और जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।